एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और चमचमाते नीले समुद्र के बीच बसे एक राज्य में अमारा नाम की एक कुलीन महिला रहती थी। अमारा अपनी कृपा, बुद्धिमत्ता और अटूट दयालुता के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। एक दिन शाही बगीचों में टहलते समय अमारा की नज़र एक शिकारी के जाल में फंसे एक शानदार शेर पर पड़ी। अपने शुरुआती डर के बावजूद उसने शेर की आंखों में दर्द और हताशा देखी और महसूस किया कि उसके भीतर करुणा की गहरी भावना उमड़ रही है। खतरे को नजरअंदाज करते हुए अमारा शेर के पास पहुंची और सावधानी से उसे उलझे हुए जाल से मुक्त करना शुरू कर दिया। कोमल हाथों और सुखदायक शब्दों के साथ उसने तब तक अथक परिश्रम किया जब तक कि शेर अंततः अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो गया। उसकी दयालुता के लिए आभारी होकर शेर ने अमारा को नए सम्मान और कृतज्ञता के साथ देखा। उस दिन के बाद से शेर उसका वफादार साथी बन गया। वह जहाँ भी जाती उसके साथ जाता और उसे नुकसान से बचाता। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, अमारा और शेर के बीच दोस्ती का गहरा बंधन बन गया। वे राज्य में एक साथ घूमते थे, जहाँ भी जाते थे खुशी और दयालुता फैलाते थे। राज्य के लोग उस कुलीन महिला और उसके राजसी शेर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके दिल विस्मय और प्रशंसा से भर गए। लेकिन राज्य में हर कोई अमारा के असामान्य साथी से खुश नहीं था। उसे मिले ध्यान से ईर्ष्यालु होकर राजा के दुष्ट सलाहकार ने राज्य को शेर से मुक्त कराने और अमारा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रची। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब अमारा और शेर अपनी सामान्य सैर पर थे, सलाहकार ने शेर को पकड़ने और उसे उन अपराधों के लिए फंसाने के लिए जाल बिछाया जो उसने नहीं किए थे। अनजान होने पर शेर को पकड़ लिया गया और एक अंधेरी कालकोठरी में फेंक दिया गया, जिससे अमारा का दिल टूट गया और वह अकेला रह गया। शेर की बेगुनाही साबित करने और अपने प्यारे दोस्त को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, अमारा एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उसने विश्वासघाती बाधाओं का सामना किया और राजा के दरबार तक पहुंचने तक अनगिनत चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। वहां उसने न्याय की गुहार लगाई और सलाहकार की धोखेबाज योजना का खुलासा किया। राजा ने अमारा की अटूट भक्ति और उसके शब्दों की सच्चाई से प्रभावित होकर शेर को रिहा करने का आदेश दिया और दुष्ट सलाहकार को हमेशा के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया। फरिंद कोई ऐसी वैसी महिला नहीं थी। वह अपनी असाधारण सुंदरता, अनुग्रह और दयालुता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। एक दिन जब फरिंद अपने राज्य की सीमा से लगे मनमोहक जंगलों में घूम रही थी, उसकी नजर एक शानदार शेर पर पड़ी, जिसके बाल सूरज की तरह सुनहरे थे और आंखें सितारों की तरह भयंकर थीं। शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया था और मुक्त होने के लिए जी तोड़ संघर्ष कर रहा था। करुणा से प्रेरित होकर फरिंद कोमल कदमों और सुखदायक शब्दों के साथ शेर के पास पहुंचा। खतरे के बावजूद उसने शेर को शिकारी के जाल से मुक्त कराने के लिए अथक परिश्रम किया। उसका दिल उस भव्य प्राणी के प्रति सहानुभूति से भर गया। उसकी दयालुता के लिए आभारी शेर ने फरिंद को श्रद्धा और कृतज्ञता से देखा। उस क्षण से वे अविभाज्य साथी बन गए, विशाल मैदानों में घूमते रहे और एक साथ भूमि के छिपे हुए आश्चर्यों की खोज करते रहे। जब वे राज्य में यात्रा कर रहे थे, फरिंद और शेर ने उन सभी का दिल जीत लिया जिन्होंने उन्हें देखा। उनका बंधन सद्भाव और एकता का प्रतीक था, जो मनुष्यों और जानवरों के बीच की दूरी को इस तरह से पाटता था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन जल्द ही उनका सुखद अस्तित्व ईर्ष्या और लालच की काली छाया से खतरे में पड़ गया। एक दुष्ट जादूगर ने फरिंद की सुंदरता और शेर के साथ उसके प्रेम से ईर्ष्या करते हुए उन्हें अलग करने और भूमि पर अराजकता लाने के लिए एक शक्तिशाली जादू किया। भाग्य के एक क्रूर मोड़ में फरिंद और शेर ने खुद को जादूगर के जादू से टूटा हुआ पाया। प्रत्येक पहुंच से परे एक अलग दायरे में फंस गए। अपने प्रिय साथी के साथ पुनर्मिलन के लिए दृढ़ संकल्पित, फरिंद ने कल्पना से परे परीक्षणों और चुनौतियों का सामना करते हुए रहस्यमय क्षेत्रों में एक खतरनाक खोज शुरू की। रास्ते में उसे ऐसे सहयोगियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसकी यात्रा में उसकी सहायता की और शत्रुओं का सामना किया जो हर मोड़ पर उसे विफल करने की कोशिश कर रहे थे। अटूट साहस और असीम दृढ़ संकल्प के साथ फरिंद ने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया और उसके दिल में चमकते प्यार से ताकत हासिल की। अंततः अनगिनत परीक्षणों और कठिनाइयों के बाद फरिंद जादूगर के अंधेरे किले के सामने खड़ा हो गया, उस बुराई का सामना करने के लिए तैयार हो गया जिसने उसकी दुनिया को तोड़ दिया था। एक भयंकर युद्ध के साथ जिसने लोगों की नींव हिला दी, फरिंद ने जादूगर को हरा दिया और उस जादू को तोड़ दिया जिसने उसे अपने प्यारे शेर से अलग कर दिया था। जैसे ही क्षेत्र अपनी नई मिली आज़ादी में खुश हुए, फरिंद और शेर अंततः फिर से एक हो गए। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। साथ में वे अपने राज्य में लौट आए, जहां उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी कहानी किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को प्रेम, साहस और एकता की शक्ति से प्रेरित किया। एक दिन
जब फारिंद और उसका दल अज्ञात पानी से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने एक छोटे चट्टानी द्वीप पर फंसे एक राजसी शेर को देखा। शेर थका हुआ और निराश दिखाई दे रहा था। उसका सुनहरा बाल सूर्य की किरणों के नीचे चमक रहा था। करुणा से भरकर फरिंद ने अपने दल को शेर को बचाने का आदेश दिया। बड़ी कुशलता और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने जहाज को द्वीप के करीब ले जाया और शेर को जहाज पर चढ़ने में मदद करने के लिए एक अस्थायी पुल बनाया। उनकी दयालुता के लिए आभारी होकर शेर झिझकते हुए स्टारलाइट वोयाजर पर चढ़ गया, जहां फरिंद ने गमजोशी और दयालुता के साथ उसका स्वागत किया। अपनी प्रारंभिक आशंका के बावजूद शेर को जल्द ही फरिंद और उसके दल की उपस्थिति में सहजता महसूस हुई। जैसे जैसे उन्होंने विशाल महासागर के पार अपनी यात्रा जारी रखी, फरिंद और शेर के बीच दोस्ती का गहरा बंधन बन गया। साथ मिलकर उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए एक दूसरे के साहस और ताकत पर भरोसा करते हुए तूफानों और चुनौतियों का सामना किया। शेर के साथ फरिंद के कारनामों ने उत्साह और आश्चर्य का एक नया स्तर ले लिया। उन्होंने छिपी हुई खाड़ियों की खोज की, रहस्यमय द्वीपों की खोज की और जादुई और पौराणिक दोनों प्रकार के प्राणियों का सामना किया। लेकिन उनकी सुखद यात्रा जल्द ही एक भयानक समुद्री सांप की उपस्थिति से बाधित हो गई, जिसने उन्हें अपने घातक कुंडलियों में फंसाने की धमकी दी। तीव्र सजगता और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ फरिंद और शेर ने बहादुरी से सांप से लड़ाई की, जहाज और उसके चालक दल को निश्चित विनाश से बचाया। करुणा से भरकर फरिंद ने अपने दल को फंसे हुए शेर को बचाने के लिए द्वीप की ओर जाने का आदेश दिया। जैसे जैसे वे पास आए, उन्होंने शेर की सुनहरी अयाल को सूरज की रोशनी में चमकते हुए देखा, जो उबड़ खाबड़ परिदृश्य के बीच आशा की किरण थी। कुशल परिशुद्धता के साथ फारिंद और उसके दल ने शेर को उस पर चढ़ने में मदद करने के लिए एक अस्थायी पुल का विस्तार करते हुए स्टारलाइट वोयाजर को किनारे के करीब ले जाया। सबसे पहले शेर सावधान था, लेकिन फरिंद के सौम्य व्यवहार और दयालु शब्दों ने जल्द ही उसका विश्वास जीत लिया। जैसे ही वे अपनी मातृभूमि के लिए रवाना हुए, फारिंद और शेर ने एक अप्रत्याशित बंधन बना लिया, जो उनके साझा कारनामों और साहसी पलायन के माध्यम से बना। शेर एक वफादार साथी साबित हुआ। जब वे समुद्र के विशाल विस्तार को पार कर रहे थे, तो फरिंद के साथ खड़े होकर निगरानी कर रहा था। साथ मिलकर उन्होंने तूफानों का सामना किया और खतरनाक जलधाराओं का सामना किया। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। द स्टारलाइट वोयाजर का दल अपने बहादुर कप्तान और उसके नेक साथी को रोमांच और खोज की खोज में एकजुट देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। रास्ते में उन्हें भयंकर समुद्री राक्षसों और प्रतिद्वंद्वी समुद्री डाकुओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनके साहस और दृढ़ संकल्प की पूरी परीक्षा हुई। फिर भी इस सब के दौरान फरिंद और शेर एक साथ खड़े रहे, हर बाधा का अटूट संकल्प के साथ सामना किया। जैसे ही वे अंततः अपनी मातृभूमि की सुरक्षा में वापस लौटे, फारिंद और शेर को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी कहानी का दूर दूर तक जश्न मनाया गया। उनके बीच का बंधन दोस्ती की स्थायी शक्ति और साहस की अदम्य भावना की याद दिलाता है। जैसे ही वे इस दर्दनाक मुठभेड़ से विजयी हुए, फारिंद को अपने जहाज पर शेर की उपस्थिति के वास्तविक महत्व का एहसास हुआ। यह सिर्फ एक साथी से कहीं अधिक था। यह साहस, वफादारी और इंसानों और जानवरों के बीच अटूट बंधन का प्रतीक था। एक साथ फरिंद और शेर ने समुद्र के विशाल विस्तार में अपनी यात्रा जारी रखी। उनके दिल उनके द्वारा साझा किए गए रोमांच और उन्हें एक साथ बांधने वाली दोस्ती के लिए कृतज्ञता से भर गए। और जैसे ही वे क्षितिज में आगे बढ़े, उनकी कहानी किंवदंती बन गई, जिसने भी इसे सुनने वाले सभी को करुणा, बहादुरी और साहस की भावना से प्रेरित किया। एक बार फिर शेर के साथ अमारा राज्य की प्रिय महिला के रूप में अपने सही स्थान पर लौट आई। साथ मिलकर वे पूरे देश में प्रेम, दया और करुणा फैलाते रहे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते रहे। और इस तरह उस कुलीन महिला और उसके वफादार शेर की कहानी किंवदंती बन गई।